हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैक्रम कॉर्ड से एलिफेंट किस तरह से बनाते हैं वो सिखाऊंगी। इसके लिए देखिए, इस तरह के मैंने ग्रीन कलर के कॉर्ड लिए हैं। 24 कॉर्ड लिया है मैंने, 100 100 के, 100 इंच के। और ये देखिए, इस तरह के मैंने बीड्स लिए हैं, छोटे वाले, लाइटर और सीजर लिया है। और इस तरह के देखिए, मैंने कड़े लिए हैं, आप रिंग यूज कर सकते हैं, 3 3 इंच की है मेरे पास। इस तरह के कड़े हैं जो इसमें मैं यूज करूंगी लगाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का मैंने एक बॉल तैयार किया है, एलिफेंट का हेड तैयार करने के लिए। और इस बॉल को मैंने घर पे ही तैयार किया है, सिर्फ इसमें मैंने कुछ कॉटन डाले हैं और गिफ्ट पेपर लगा के इस तरह से मैंने, और टेप से की सहायता से मैंने इसे बॉल तैयार किया है। अगर आपके पास बॉल मार्केट वाले अगर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह के बॉल घर पे ही तैयार कर कर करके और इसे लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से कॉर्ड लिया है छोटा, और इसमें मैं जितने भी मेरे कॉर्ड 100 100 इंच की मैंने कट की है, 24, उस सभी को मैं इसमें अटैच करूंगी। उसके लिए देखिए, मैंने कॉर्ड का सेंटर लिया है और इसे मैं यहां से इस तरह से अंदर से फंसाऊंगी। देखिए, अंदर से पूरे कॉर्ड को मुझे फंसाना है इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, सभी कॉर्ड को मैंने इस कॉर्ड में अटैच करने के बाद देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे एक गांठ लगाऊंगी, फिट गांठ लगानी है यहाँ पे। इस तरह से इसे सीजर से कट कर दूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना डिजाइन मैंने कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैं 4 कॉर्ड लूंगी इस तरह से, और इसमें मुझे नॉट तैयार करना है। फिर से 4 कॉर्ड लेना है और इसमें भी नॉट तैयार करना है। ऐसे 4 4 कॉर्ड लेके और एक एक नॉट लगाते चले जाना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से जो रेड वाले बीट्स से मैंने अटैच किया है, और इतने देखिए यहाँ पे इसे कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से साइड साइड से दो दो कॉर्ड लूंगी, बीच के 2 कॉर्ड लूंगी मैं,
तरह से। आप बीड्स का कलर कोई भी ले सकते हैं। बाइक्रम का जो कॉर्ड का कलर लिया है मैंने, आप उसे भी अपने पसंद से कोई भी कलर का कॉर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से नॉट लगाना है। उसके बाद फिर से साइड वाला जो कॉर्ड है उसमें भी मुझे बीट्स ऐसे डालने हैं। यहां से भी मुझे टू टू कॉर्ड लेना है साइड साइड के, जो सेंटर वाले दो कॉर्ड है उसे मैं लूंगी और इसमें मैं बीट्स डालूंगी। फिर से नॉट लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बीट्स अटैच करने के बाद एक एक नॉट डाले हैं और उसके बाद फिर से मुझे सिंपल सिंपल नॉट ही कंटिन्यू करना है। साइड साइड से मुझे टू टू कॉर्ड लेना है इस तरह से और इसमें नॉट डालना है। ऐसे ही डालते चले जाना है पूरे में। देखिए इस तरह से बॉल मेरे पास है, मैं इसे इस तरह से इस पे रख के ऐसे, और इसमें भी मुझे सिंपल सिंपल जो नॉट है स्क्वायर नॉट वही लगाते जाना है। देखिए टू टू कॉर्ड लेनी है साइड साइड के और इसमें इस तरह से नॉट तैयार करनी है। यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगी पतले वाले, देखिए इस तरह के पिन से मेरे पास यहाँ पे लगाऊंगी जिससे कि ये अच्छी तरह से फिट बैठा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से सिंपल सिंपल नॉट डाल के यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। नीचे थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है इस तरह से और अब मैं देखिए जो मैंने ये चूड़ा है जिसे मैंने यूज़ किया है इसमें, आप इसकी जगह 3 इंच की या फिर 2 इंच की रिंग इसमें अटैच कर सकते हैं। अभी मेरे पास यही अवेलेबल है इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले देखिए जितने भी कॉर्ड है सभी को इसमें इस तरह से अंदर ले लेना है।
देखिए इस तरह से, और एक कॉर्ड लूंगी मैं इस तरह से इसमें से, और यहां से मुझे बाहर से इस तरह से इसमें अटैच करना है कॉर्ड को, टू टू टाइम करना है। जितने भी कॉर्ड थे सभी को मैंने इस वाले जो चूड़ी थी उसमें मैंने अच्छी तरह से अटैच कर लिया है टू टू टाइम लगाने के बाद। ये देखिए फिर से मैं यहाँ से इस तरह से फोर कॉर्ड लूंगी और सिंपल नॉट डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये पूरे डिजाइन को कंप्लीट किया है, और यहाँ पे रिंग लगाने के बाद जो भी कॉर्ड बचे थे उन्हें कट करके मैंने यहाँ पे इसे चिपका लिया है, और यहाँ पे जो मैंने नॉट डाले हैं मैंने फोर फोर नॉट कंटिन्यू करके फिर यहाँ पे मैंने रिंग लगाया है। यहाँ पे नीचे जो कॉर्ड थे मैंने लगाने के बाद, उसके बाद मैंने ये हाथी के यहाँ पे कान तैयार किया है इस तरह से। इसके लिए देखिए मैंने ये जो इसकी कान तैयार की है मैंने इस डिस्टेंस में इसे मैंने रख के इसे तैयार किया है। इसके लिए देखिए एक मैंने कॉर्ड लिया है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं लिया है मैंने। इसे यहाँ पे देखिए इस हिसाब से हमें लेना है। यहां लूंगी मैं इसे, इसको फंसाने के लिए मैंने एक ये देखिए इस तरह का मैंने एक सुई लिया है। इस तरह से अंदर से डाल के और इसे इसे आसानी से इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद यहाँ पे अंदर से कॉर्ड को दोनों कॉर्ड को लेके और यहाँ पे इस तरह से एक नॉट डाल देंगे हम। एक फंदा तैयार हो जाएगा यहाँ पे, जिससे कि जितने भी कॉर्ड है मैं इसमें इसके साथ अटैच कर लूंगी। उसके बाद देखिए ये कॉर्ड लिया है, ये 20 इंच के कॉर्ड है जो यहाँ से नीचे के जो मैंने कट किए थे उसमें से ही बचे हुए थे ये कॉर्ड, उसी में लगाऊंगी। इसके लिए देखिए सबसे पहले ये जो मैंने कॉर्ड लिया है उसे मुझे अंदर के साइड से इस तरह से लगाना है यहाँ पे से। मैं इसमें पूरे 12 कॉर्ड इसमें अटैच करूंगी। अगर आपको हाथी का कान बड़ा बनाना है तो आप और भी कॉर्ड इसमें अटैच कर सकते हैं। ऐसे कॉर्ड को इसमें फंसाते जाना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 12 कॉर्ड डालने के बाद यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पे मैंने जो ये 6 नॉट बनाए हैं वहां पे मैं इस कॉर्ड को इस तरह से अंदर के साइड से ले लूंगी। इस तरह से देखिए, और फिर मैं यहाँ पे गार्ड डाल दूंगी, इस तरह से फिट गार्ड डाल दूंगी और इसे फिर मैं सीजर से कट कर लूंगी। गार्ड डालने के बाद लाइटर से थोड़ा सा मेल्ट करके इसे चिपकाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक एक नॉट लगाया है, उसके बाद इस साइड के जो 2 कॉर्ड छोड़ दूंगी मैं और अंदर के 2-2 कॉर्ड ले लूंगी और इसमें मैं नॉट तैयार करूंगी इस तरह से। देखिए ऐसे ही मुझे पूरे में लगाना है, एक एक कॉर्ड बाहर मुझे दोनों साइड से मुझे 2-2 कॉर्ड छोड़ छोड़ के और अंदर के साइड बनाना है। ये घटते हुए चला जाएगा, देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने ये 2 कॉर्ड छोड़ दिए इस तरह से और यहाँ पे भी छोड़ दिए। उसके बाद मैं फिर से इस तरह की ये 2 कॉर्ड छोड़ दूंगी और यहाँ के ऐसे 2-2 छोड़ मुझे जो भी कॉर्ड है 2-2 कॉर्ड छोड़ छोड़ के अंदर की तरफ से बनाते चले हुए जाना है। यानी देखिए यहाँ पे इस तरह से जो ये डिजाइन है इस तरह से मुझे तैयार करनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ साइड से मैं कॉर्ड लूंगी, यहाँ इसे लेने के बाद इसमें मैं जो छूटे हुए कॉर्ड है सबको 2-2 टाइम अटैच करूंगी, इस तरह से लपेटूंगी। देखिए ज्यादा फिट नहीं करना है, हल्के हाथों से ही इसे इसमें लपेटना है। इस तरह से
इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लास्ट में हमारे जो 4 कॉर्ड होते हैं, इसमें से हमें सिर्फ 2 2 कॉर्ड ही लगाने होते हैं। यानी इस साइड में 2 कॉर्ड लगाऊंगी और 2 कॉर्ड इस साइड लगाऊंगी। उसके बाद सेम देखिए, फिर से यहाँ का ये जो कॉर्ड छूटा हुआ है इससे मैं लूंगी और इसमें सभी कॉर्ड को अटैच करूंगी। सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले वाले में किया था, दूसरे में भी हमें इसी तरह से लगाना है। और इस साइड भी मैं इसी तरह से पूरे कॉर्ड को लगाऊंगी। नॉट लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद जो भी कॉर्ड बचे हुए सबको मैं कट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बचे हुए कॉर्ड है इनको लाइटर से मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मेल्ट करके और इन्हें इस तरह से चिपका दूंगी बैक साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हाथी की दोनों कान कान है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे इसकी सूंड तैयार करनी है। उसके लिए देखिए मैंने कॉर्ड लिया है, मैंने 2 2 मीटर के कॉर्ड कट किए हैं। और सबसे पहले देखिए इस तरह की जो सुई है इसकी सहायता से मैं कॉर्ड को यहाँ पे रखू के, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अंदर खींच लूंगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं एक नॉट डाल दूंगी इस तरह से। तो फिर से मुझे यहां पे डालना है। ये वाली देखिए, इसे ना मैं पूरे राउंड में लगाऊंगी, इसलिए अब यहां पे मैं कॉर्ड डालूंगी। इसे बनाने के लिए आप सिल्क कॉर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे ही मैं पूरे कॉर्ड को राउंड राउंड में लगाऊंगी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने इसमें 16 कॉर्ड इसमें मैंने अटैच किया है। यहाँ से मैं कॉर्ड ले लूंगी और इसमें सिंपल नॉट लगाऊंगी इस तरह से, जिससे कि हमारा जो ये जगह खाली खाली है सभी भर जाएगा। देखिए इस तरह से। सिंपल नॉट ही लगाना है इसमें।
मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट किया है और अब मैं देखिए मेरे पास इस तरह का सिल्क कॉटन है, इसमें मैं डालूंगी इसी जिससे कि इसकी सोड जो है थोड़ी सी मोटी और हो जाएगी इस तरह से। देखिए और फिर से मुझे इसमें सिंपल सिंपल सा ही नॉट पूरा लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने सिंपल सिंपल सा नॉट डाल के इसे कंप्लीट किया है। और अब देखिए यहाँ से मैं इस तरह से एक कॉर्ड लूँगी, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है काफ़ी काफ़ी मतलब मोटा मैंने रखा है, और अब इसके बाद जो ऊपर का जो डिस्टेंस रहेगा उसे मुझे पतला करना है, इसलिए मैं यहाँ से इस तरह से एक कॉर्ड लूँगी और मुझे ऊपर पतले में इसे करना है। यहाँ से एक कॉर्ड लेके और सभी कॉर्ड को इसमें मैंने दो दो टाइम डालूंगी इसमें। तरह से देखिए फ्रेंड्स, जितने भी कॉर्ड थे सभी को मैंने वन कॉर्ड में डाला है, और इसी कॉर्ड को मुझे पूरे मतलब जितने भी मेरे कॉर्ड रहेंगे सभी कॉर्ड को मैं इसी कॉर्ड में मुझे एंडिंग तक लेके जाना है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसमें ही मुझे सभी कॉर्ड डालने हैं। अब यहाँ तक मैंने सभी कॉर्ड को डाल के कंप्लीट कर लिया है, अब उसके बाद फिर से मैं यहाँ के कॉर्ड लूंगी और फिर से मैं टू टू टाइम इसमें अटैच करूंगी। यहाँ पे मैं एक एक कॉर्ड छोड़ दूंगी, उसे नहीं इसमें कॉर्ड के साथ अटैच करूंगी, जिससे कि ये जो सूंड है ये थोड़ा पतला पतला होते चला जाएगा। देखिए ये कॉर्ड मैं छोड़ दूंगी और उस पर नेक्स्ट कॉर्ड लूंगी मैं, यानी मुझे एक कॉर्ड छोड़ छोड़ के लगाना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से 1 2 3 4 4 मैंने इस तरह से लाइन बनाई है, और अब मैं जो इसमें के कॉर्ड है उसे मैं जो मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे मैं कट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ कुछ कॉर्ड मैं निकाल दूंगी इसमें से।
देखिए ये कॉर्ड निकालने से यहाँ की जो हमारा ऊपर का जो शेप आएगा वो पतला आएगा। और फिर से मुझे ये जो कॉर्ड बचे हुए हैं ये टू टू टाइम लगाना है इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी मैंने कॉर्ड वगैरह लिए थे सभी को मैंने घटाते घटाते कम करते करते मैंने इतना ऐसे कर लिया है। और अब ये जो कॉर्ड है मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से मैंने इसी कॉर्ड को यहाँ से लगाया है और अभी इसी कॉर्ड में मैं देखिए फ्रेंड्स सभी को जितने भी कॉर्ड है उन्हें इस कॉर्ड को लेके सभी को मैं इस तरह से लपेटूंगी ऐसे। इसे कट कर दूंगी मैं लाइटर से हल्का। देखिए इस तरह से ये जो सूट है पहले मोटी और फिर बाद में पतली इस तरह से तैयार होते चलिए आइए। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये जो सूट है उस कंप्लीट होने के बाद मैं इस सूट को यहाँ पे इस तरह से लाके और ऐसे लगाऊंगी। मैं सेंटर ध्यान में रखते हुए इसे लगाना है इस तरह से। देखिए इसके लिए मैं एक कॉर्ड लूंगी और इस कॉर्ड से और इस कॉर्ड में लाके मुझे इन दोनों को ज्वाइंट करना है जिससे कि ये जो सूंड है यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। इसके लिए मैं सुई का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से यहाँ पे लगा के मैं दो गांठ लगा दूंगी यहाँ पे। देखिए इस तरह से इसकी सूंड जो है बन चुकी है और इसे मैं कट करके लाइटर से चिपका दूंगी इस वाले कॉर्ड को। देखिए फ्रेंड्स जो माइक्रम का हाथी है वो बन के तैयार हो चुका है और मैंने डेकोरेशन में इस तरह देखिए घंटियां यूज की है। आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी यूज करके इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे
आंख लगाई है इसकी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में नहीं दिखाया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊन का पॉम पॉम बना के यहाँ पे लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो गैप था वो भर गया पॉम पॉम लगाने से। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कॉर्ड लिया था, उसमें 24 कॉर्ड मैंने डाले थे 100 इंच के। उसके बाद मैंने सिंपल सिंपल सा नॉट लगाया था, फिर बीड्स डाले थे, और फिर से मैंने सिंपल नॉट ही डाल यहाँ तक मैंने यहाँ नीचे तक लगाया था। और उसके बाद मैंने 3-3 इंच की दो रिंग लगाई थी। उसके बाद फिर से मैंने ये जो कान है हाथी की वो मैंने तैयार किया था। और उसके बाद देखिए सूंड, यहाँ पे मैंने 16 कॉर्ड लेके फिर से मैंने ये सूंड किस तरह से बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। देखिए इस तरह से ये हाथी जो है बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत बना है ये। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप इसे जरूर घर पे ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।